आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सभी को। आपने अपनी बॉडी पर किसी प्रकार का कोई टैटू तो नहीं बनवाया? अगर नहीं बनवाया तो इस भजन को आज सुन लेना, अगर बनवाया है तो भी जान लेना कि इसके फायदे क्या हैं और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। और दूसरा, जो आज लड़के लोग बालियां पहनते हैं, अपनी नाक और कानों को छिदवाते हैं, और कोई कोई तो अपनी जीभ को छिदवाता है, कोई होठों को छिदवाता है, कोई अपने गले को छिदवाता है, और मतलब कई प्रकार से, कई लड़कियों को भी देखा होगा आपने, कोई अपनी नाभि को छिदवाता है, कोई अपने होठों को छिदवाता है, और मतलब कई प्रकार से इंसान का भी कहाँ छिदवाना, कभी कहाँ छिदवाना, इन बातों को लेकर है ना वचन में लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के सामने। लिखा है लय व्यवस्था और उसका 19वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। मतलब जो किसी भी प्रकार का कोई भी टैटू है, कोई भी अंक है, या कोई भी किसी प्रकार की कोई लिखावट है, या कोई चित्र है, किसी भी चीज, ऐसी चीज को जिसमें कोई जान ही नहीं है, वो मुर्दा रहती है, और उसके कारण हम अपने शरीर को ना चीरें और ना ही उसमें कुछ लिखवाएं और ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई छाप लगवाएं। तो आज इंसान क्या करता है, आपने देखा होगा, देखो वचन साफ इसमें बताता है, ना तो हमें कोई अपने बॉडी को चिरवाना है, मतलब ना ही कोई हमें परमानेंटली टैटू बनवाना है, और ना ही हमारे शरीर पर कोई छाप लगवानी है, ना ही हमें कुछ लिखवाना है, और ना ही हमें किसी को देखकर किसी प्रकार की इन टैटूज की इच्छा रखनी है कि हाँ भाई उसने भी तो करवा लिया, वो तो क्रिश्चियन है, या तो वो तो इस धर्म का है, वो तो उस धर्म का है, भाई वो भी तो करा लिया। इससे कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। विश्वास बिना कर्म बिना मरा हुआ है। इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कोई लड़का है और वो एज एन एग्जाम्पल, जैसे कोई मनुष्य है, अब वो बिल्कुल न्यूड घूम रहा है, मतलब बिल्कुल बिना कपड़ों के घूम रहा है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है, तो क्या वो पाप का कारण नहीं बन रहा? क्या वो ठोकर का कारण नहीं बन रहा? जब वो कर्म ही नहीं कर रहा है तो किस बात का प्रेम है, किस बात का विश्वास है? इस बात को समझने की कोशिश करना। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, उस पर विश्वास करते हैं ना, तो उसके अनुसार वो काम भी करेंगे। लिखा है कि हम बातों ही से नहीं, अपनी जीभ ही से नहीं, वरन सत्य और कर्म के द्वारा भी प्रेम करें। प्रेम करने का मतलब वही है, आप जानते हो, जो प्रेम करता है वो इन कामों को प्रकट करता है। भाई उदाहरण के तौर पर, जैसे आप किसी अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या आप अपने पति से प्रेम करते हो, तो उनकी बात को मानने के लिए आप कर्म भी करोगे, है ना। कर्म करना जैसे खाना पीना खिलाना, कपड़े धोना और कमा के लेकर आना, सो मुंह सो बातें, कई प्रकार के काम धंधे होते हैं, तो है ना, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है और उसके लिए कमा कर लेकर आता है, उसी तरीके से जैसे एक बच्चा अपने बाप से प्रेम करता है और उसका बुढ़ापे में उसका सहारा बनता है, तो ये प्रेम का ही काम है। तो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, काम करना जरूरी है। अगर मैं यही सोचूं, अगर कोई भिखारी मेरे घर के बाहर आया है, अगर मैं उससे ये बोल दूं कि भाई जा जा तू गरमा ले और तेरे को कपड़े मिल जाएं, भले ही वो नंगा है, उसके पास कपड़े नहीं है और सर्दी का टाइम चल रहा है, अगर मैंने सिर्फ मुंह से बोल दिया जा तेरे पास कपड़े आ जाएं और तेरा पेट भर जाए, तो क्या उससे भर जाएगा? नहीं। जब तक मैं उसको स्वयं अपने हाथों से वस्त्र नहीं पहनाऊंगा, या जब तक वो वस्त्र नहीं पहनेगा, या जब तक उसके पेट में या मुंह के अंदर खाना नहीं जाएगा, जब तक वो खाना नहीं खाएगा, तब तक उसका पेट नहीं भरेगा, तब तक वो नहीं गर्माएगा। इसीलिए कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कह दिया है, एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ इस वचन को। लिखा है मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, मतलब थोड़ा क्या, बिल्कुल भी नहीं चीरना। आज कोई ओम बना लेता है अपने हाथों पर, कोई नाम लिखवा लेता है, कोई माँ या पा लिखवा लेता है, कोई मापा लिखवा लेता है, मतलब कुछ भी नाम लिखवा लेता है, कोई अपना लिखवा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड का लिखवा रहा था, या कोई किसी प्रकार से कोई किसी का भी नाम लिखवा लेता है। तो एक बात ध्यान रखनी है इसमें, परमेश्वर ने साफ मना कर दिया कि किसी भी रीजन से बिल्कुल भी अपने शरीर को नहीं चीरना और ना ही चिरवाना, और लिखा है और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर इसमें साफ कह रहा है, वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम उसके सच्चे चेले हैं तो उसकी बातों को भी मानेंगे। वचन में लिखा है, और लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मैं तेरे शरीर में वास करना चाहता हूँ, तेरे जीवन में वास करना चाहता हूँ, तेरे अंदर आना चाहता हूँ। और यह भी लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे लिए रहने का कौन सा स्थान होगा? मैं तो तेरे अंदर वास करता हूँ क्योंकि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। तो क्या ये नाश वाला कारण नहीं है? समझने की कोशिश करना, अगर मैं प्रभु की आज्ञा को तोड़कर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहा हूँ, दूसरों को देखकर अपना चाल चलन बदल रहा हूँ, अगर मैं टैटू बनवा रहा हूँ या किसी भी प्रकार के कैसे भी टैटू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी को देखकर मैंने कोई अभिलाषा कर लिया, दोस्त को देखकर सीख लिया, या दोस्त को देखकर बोलना बता लिया कि हाँ भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं, वैसे भी तो कर सकते हैं, अपनी बातों को बड़ा घटाकर या कुछ भी तोड़ मरोड़ करके वचन को लेकर हमने अपनी इच्छा को पूरा कर लिया, तो इसमें हमें ना अपने लिए ही गलत कर रहे हैं, हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। खुदावन ने साफ मना कर दिया है
कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इसे नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। चाहे तू खुद नाश कर, तू अपने शरीर को बिल्कुल नशे पत्तों में डाल रहा है, बुराइयों में डाल रहा है, व्यभिचार में डाल रहा है, गलत और गंदे कामों के लिए दे रहा है। तो लिखा है जो इस शरीर को नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा। और अगर तू अपने शरीर को भलाई के कामों में, अगर इसको तंदुरुस्त रख रहा है, अगर इसको हट्टा कट्टा रख रहा है, वरन पाप से बचा कर रख रहा है, व्यभिचार से बचा कर रख रहा है, शारीरिक दुष्कर्मों से बचा कर रख रहा है, तो इस शरीर में ना वो जीवन आएगा, वो ब्लेसिंग आएगी जिसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के बाप में दम नहीं है कोई रोक ले। लेकिन अगर तू इसी शरीर को गलत राह पर लेकर जा रहा है, टैटूज बनवा रहा है, या किसी प्रकार की चीरा फाड़ी करवा रहा है, या नाम लिखवा रहा है, या हाथों को ब्लेडों से काट रहा है, या अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने ही मार पीट रहा है, या अपने किसी प्रकार से खून खच्चर कर रहा है, तो इसमें लिखा है, साफ वचन कहता है कि जो इस शरीर को नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। मनुष्य खुद अपने मृत्यु का कारण इसके अंदर खुद बन रहा है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और यह भी लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है। तो खुदावन यहां पर साफ मना करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने टैटू ना बनवाए, चाहे किसी को देखकर, लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम किसी दूसरे को देखकर है ना अपने मार्ग से हमें हटना नहीं चाहिए, अगर हट गए तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना, इंसान को इज्जत बनाने में बहुत समय लग जाता है, सालों निकल जाते हैं, जिंदगी गुजर जाते हैं, लेकिन उसको खराब होने में ना सिर्फ चुटकी एक पल भर ही लगता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, उस बातों को समझना, किसी दूसरे लड़का लड़की व्यक्ति मनुष्य पुरुष को देखकर या किसी स्त्री को देखकर अपनी बॉडी को छिदवाने की कोशिश मत करना कि ऐसे टैटू लगवा लूं, मेरे दोस्त ने भी तो कर रखा है, छोटा सा ही तो है, और चर्च में वो भी तो करता है, देखो उसने दोस्त ने भी तो कर रखा है, बहुत सस्ता है, अरे बहुत बढ़िया है, अरे इल्यूमिनाटी लिखवा लूंगा, अरे हाथ बनवा लूं, अरे फिंगर्स बनवा लूंगा, अरे हड्डी बनवा लूंगा, सो मुंह सो बातें, कई प्रकार के, कितने प्रकार के टैटूज हैं, ये सारी लुभावने वाली वस्तुएं हैं। अगर हम इनके पीछे दौड़ेंगे ना तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम कर रहा है मनुष्य, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कारण चाहे कोई भी है, लेकिन मनुष्य कर तो हो अपनी ही इच्छा ही पूरी रहा है ना। इसमें अगर अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, लिखा है जो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना तो जीवन है। और यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शारीरिक दशा में जो व्यक्ति है ना वो अपनी शारीरिक अभिलाषा को ही पूरा करेगा कि भाई मेरे को ये पहनना है, ये ओढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्यों? वो भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, उसकी बेटी भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, उसका बेटा भी तो अच्छे कपड़े पहनता है, और वो भी तो ड्रिंक करता है, भाई थोड़े से तो कर ली तो क्या हो गया, छोटा सा ही तो टैटू बनाया है, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपने लिए ना बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। किसी भाई ने कहा था कि 40 किलो दूध को फाड़ने के लिए ना सिर्फ 2 बूंद काफी है नींबू की। इसी तरीके से जैसे कि बताया ना आपको कि एक थोड़ा सा खमीर, उदाहरण के तौर पर एक पूरा कोरा कागज ले लो, पूरे कोरे कागज पर आपकी इतनी जल्दी निगाह नहीं जाएगी, लेकिन जब उस कोरे कागज पर एक छोटा सा बिंदु लगा दोगे ना काले रंग का पेंसिल से या पेन से, उस पर नजर जाएगी। अब सोच कर देख लो, अब उस पूरे कागज पर, पूरी पवित्रता पर एक हल्का सा छोटा सा धब्बा लगा दी ना तो पवित्रता पर नजर नहीं जाएगी, वो पाप ही दिखाई देगा। इसीलिए ये जो थोड़ा थोड़ा खमीर है ना, ये बंधन होते हैं, इसको अपने अंदर से निकालना है, इसी कारण इंसान ब्लेस नहीं हो पाता है, यही है कारण इंसान की आशीष रुकने का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अंधविश्वास को लेकर, आप उसको भी सुन सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है मनुष्य के आशीषों के रुकने का और चंगाई छुटकारा बरकत ना पाने का और ब्लेसिंग्स को ना पाने का, और अपनी ही आशीष को खुद रोक देने का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसमें इंसान अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में है और अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है, वरन दूसरे को देखा देख अपने चाल चलन को बुराई पे लेकर आ रहा है, पवित्रता से हटाकर वचन को इज्जत नहीं दे रहा है, मनुष्य को इज्जत दे रहा है, संसारिक अभिलाषा को इज्जत दे रहा है, और हर बात में अपने आप को वचन को लेकर तोड़ मरोड़ करके अपने लिए सेटलमेंट कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी कर तो सकते हैं, ऐसा तो हो ही जाता है, देख वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, लेकिन हम वचन को नहीं देखते हैं। साफ लिखा है कि संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। जो संसार से प्रेम कर रहा है उसके अंदर क्या परमेश्वर का प्रेम हो सकता है? अब एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। अब 2 स्वामी कौन है? एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ हमारी अभिलाषाएं हैं, दूसरी तरफ अभिलाषाएं हैं। अब हमें प्रेम किससे करना है? हम मुंह से तो बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन हम करते अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त हो जाते हैं, जैसे सुलेमान लिप्त हो गया था। लिखा है जब सुलेमान लिप्त हो गया था ना इन कामों में, जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था,
और उसके बाद में जब उस परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उनको बुद्धि ज्ञान और समझ दिया था, बहुत अच्छा राजपाट दिया था, सोचो वही बचाने वाला परमेश्वर उस सुलेमान के विरुद्ध में खड़ा हो गया था और कहा था कि सुलेमान तेरे इन कामों से मुझे तुझ पर क्रोध आया है, क्योंकि जो मैंने तुझे बातें बोली थी, तुझे मैंने दो बार दर्शन देकर कहा था लेकिन तूने फिर भी नहीं मानी। आज खुदावन का आत्मा आज आपको बताते हैं मेरे भाई और बहनों, टैटुओं से और हर प्रकार की चिड़ा फाड़ी से, और जो भी आज लड़के लोग पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, गले में बहुत मोटी मोटी चेने पहनते हैं, बहुत हैवी हैवी चेने पहनते हैं, जो गुंडे बदमाश पहनते हैं, बहुत सारी अंगूठियाँ लगाए लगाए पहनते हैं, और कुछ लेडीज़ों के बारे में भी समझने की कोशिश करना, ये बंधन होते हैं। अगर आपने परमेश्वर के किसी बड़े सामर्थ्य अभिषिक्त को देखा होगा ना, जो खुदावंत के सामने आसपास बात करता है, आमने सामने बात करता है, या जो खुदावंत के साथ बहुत अच्छा पारदर्शी रिश्ता है, तो उनको देखना, उनके जीवनों को देखना, वो सोने से लदे हुए नहीं होंगे, वो कान वान छिदे हुए नहीं होंगे, वो कानों में बालियाँ, हाथों में अंगूठियां, बहुत सारी अंगूठियां पहने हुए नहीं होंगे, वो गले में बहुत सारी चेने पहने हुए नहीं होंगे, कड़े सोने के कड़े पैरों में, बिछुए पैरों में बहुत सारी पायलें, नहीं, वो इन चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारा है, इसी कारण तो वो आज उस स्टेज पर पहुंचे हैं। वहां पर पहुंचना आसान नहीं है, खुदावन की सेवा करना आसान नहीं है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारना पड़ता है, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना पड़ता है। ऐसे नहीं बन जाता कोई परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का दास जो लाखों करोड़ों के आंसू को पोंछ रहा है, ऐसे नहीं बन जाते सेवक। आग की भट्टी में से तप कर निकलना पड़ता है, अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है, अपने सपनों को मारना पड़ता है, और जब इस चीज़ को मारते हैं ना, उसके बाद खुदा ऐसे पूरे करता है मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर कि इंसान घुटनों में आ आकर रो रो कर खुदावन का धन्यवाद करता है। खुदा ये ब्लेसिंग तो मैंने सोची भी नहीं थी, तू मुझे इतना दे रहा है। खुदा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझे यहाँ घुमाएगा। खुदा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझे ये इज्जत मान सम्मान दिलाएगा, मुझे ये ड्रेस देगा, ये गिफ्ट देगा। खुदा इस तरीके से मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर ब्लेस करता जो मन के चित में नहीं समाया। लिखा है कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे मन के चित में नहीं चढ़ा, वो मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है, वो मैं अपने से प्रेम करने वालों के लिए करने जा रहा हूँ। अब प्रेम का मतलब तो बलिदान दिखाता है ना। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने अपनी लाइफ का, अपने शारीरिक अभिलाषों का कितना बलिदान किया है, हमने अपनी शारीरिक अभिलाषों का कितना क्रूस उठाकर चले हैं कि हाँ भाई प्रभु को मेरा डिस्क जाना पसंद नहीं है, नहीं जाऊँगा, प्रभु को मेरा झूठ बोलना पसंद नहीं है, नहीं बोलूँगा, हाँ भाई प्रभु को मेरा गलत व्यवहार पसंद नहीं है, नहीं करूँगा। मतलब हमने कितना अपना क्रूस उठाकर दिन प्रतिदिन प्रभु के पीछे हुए हैं, ये चीज मेन रखती है। अगर आज मैं सिर्फ एक सोने की अंगूठी के लिए सोच रहा हूँ कि भाई अंगूठी पहन के जाऊंगा, ये तो मेरा थॉट है, लेकिन प्रभु मेरे बारे में सोच रहा है भाई तुझे मैं बेस्ट से बेस्ट गाड़ियां दूंगा, ये सोना तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास सोना गिफ्ट में आएगा, लेकिन थोड़े से 10-50-60 हज़ार के चक्कर में ना, तो अपनी 10-20 करोड़ की ब्लेसिंग को मत खो। ये शारीरिक अभिलाषा है, ये मनुष्य को कुछ नहीं दे सकती, वरन जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु है, मृत्यु मिलेगा बेटा, इससे कुछ नहीं मिल सकता। वरन इसको तू अगर मेरे लिए त्याग देगा ना, परमेश्वर ये नहीं कह रहा उसको फेंक दो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उसको उड़ा दो, फेंक दो या उसको खर्च कर दो, नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि जो चीज़ दी है परमेश्वर ने, हमें उस चीज़ को लेकर शो ऑफ नहीं करना है, वरन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारना है, इन चीज़ों की ज़्यादा इच्छा ना रख के वरन सिर्फ परमेश्वर के वचन ही की इच्छा रखनी। खुदा क्या मेरा जीवन तेरे घृणा योग्य है? क्योंकि आपको पता है क्या धन मनुष्य की मृत्यु का कारण नहीं बना? हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया और कहता है कि प्रभु मुझे बता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा कि तू माता पिता की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन कर, उसकी आज्ञा का पालन कर। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं तो सारी आज्ञाएं मानता हूं, मैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, भले भले काम करता हूं, ये काम करता हूं, वो काम करता हूं। उसने सारे अपने मतलब पूरी लिस्ट लगा दी। तो हुआ क्या कि यीशु ने कहा नहीं, तुझमें अभी भी एक घटी है, एक कमी है। धनी कहता है क्या प्रभु क्या कमी है बता। तो यीशु कहता है तू है ना बहुत धनी है, तो अपना सारा धन है ना कंगालों में जाकर बांट दे। तो पता क्या होता है, वो धनी व्यक्ति ना मायूस होकर मुंह नीचे करके चला जाता है। सोचो उसी समय यीशु ने बोला कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना संभव है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। लिखा है याकूब का 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है धनवानों को चेतावनी, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने अपने वालों कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गया है, तुम्हारे सोना चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली थी चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु यहोवा के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा तो किया,
तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। एक तरफ यह भी लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बहुत ऐसे धन देता तो है, लेकिन मनुष्य उसमें से खाने नहीं पाता। यह भी लिखा है कि तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम कपड़े तो पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है, तू ठंडा। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:16 में कहता है कि इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेकर पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमे ले कि तू देखने लगे। मतलब परमेश्वर है ना, ये बातें चेतावनियां दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों में सुरमे का काम करता है। परमेश्वर का वचन एक सोने से भी ज़्यादा ताया हुआ है, ध्यान रखना। परमेश्वर का वचन जिसके पास है ना, जिसने वचन की इज्जत और केयर कर ली है, जिसने परमेश्वर के वचन की इज्जत कर ली है, उसकी आज्ञा को गंभीरता से ले लिया है, तो वो कंगाल तो हो ही नहीं सकता है। अब सोचकर देखो परमेश्वर धनवानों के बारे में क्या कह रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें ये पता चलता है, हम ये जान पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमें ये शिक्षा देता है कि हमें सब प्रकार की अभिनय शारीरिक अभिलाषों से दूर रहना है, और दूसरे को देखकर अपना चाल चलन नहीं बिगाड़ना, संसार का सदृश नहीं बनना, और सब प्रकार के रीति रिवाजों से परमेश्वर जी से बैर करता है, परमेश्वर नफरत करता है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यशाया 3:18 और उसकी 18 में। इसको समझने की कोशिश करना। उस समय प्रभु घुंघरुओं जालियों, घुंघरू आपको पता है घुंघरू कौन पहनते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो घुंघरू वगैरह पहनती हैं। तो परमेश्वर इन बातों के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। उस समय प्रभु घुंघरुओं जालियों और चंद्रहार वो होते हैं जो किसी प्रकार के, जो बड़े बड़े हार पहनते हैं, लड़का पहनता चाहे लड़कियां पहनती हैं, और कई कई बार बच्चों को भी पहना दिया जाता है, जिसमें छोटा सा बच्चा होता है जिसपे हाय लिखा रहता है, चांद बना रहता है, और कुछ कुछ स्त्रियां कुछ बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बनावटी या सुनहरे या सोने के या बड़े बड़े हार पहनती हैं, और चंद्रहारों और झुमको। समझने की कोशिश करना, झुमको क्या लड़के नहीं पहनते झुमके? ये एक तरीके से कानियों में जो बालियां हैं ना, ये है गुलामी का साइन है, ये एक तरीके से झुमके का काम करता है। पुराने समय में जब किसी को गुलाम बनाया जाता था ना, तो उसके कान या नाक को छेद दिया जाता था, और एक जैसे आज के टाइम पर जैसे किसी गाय पर, किसी गली या शहर की गाय पर छाप लगाई जाती है ना कि हाँ भाई ये मेरी गली की, मेरे शहर की, मेरे जिले की है, तो उसी तरीके से पहले पुराने समय में ये इन प्रकार की ऐसी चीज़ों को अपनाया जाता था कि जिससे इंसान एक बंधुआ मजदूर बन जाए, कहने का मतलब एक दास बन जाए, और जो दास बन गया ना वो प्रभुता कर ही नहीं सकता कभी किसी पे। जिसने अपने कान हाथ पैरों को छिदवा लिया है ना, जो इन चीज़ों के रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, दूसरे को देखकर या सोचकर कि ये तो फैशन है, फैशन के चक्कर में, क्योंकि शैतान ने यही तो भूत सवार करने की कोशिश करी थी लोगों पर कि भाई ये फैशन है, मम्मी फैशन है, छोटे कपड़े तो पहनते हैं, चिपकी पैंट्स तो पहनते हैं, मम्मी फैशन है, छोटी छोटी मतलब पेट तो दिखना ही चाहिए ना मम्मी, आजकल लड़कियां भी पहनती, देखो हीरोइनीज तो पहनती हैं, अब मैं क्या बहन जी बनूं, अब मैं क्या मम्मी कैसा लग रहा हूँ, मेरे को बाल वाल कटवाने थे सही से। और आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है यशाया की पुस्तक और उसका 3:18 और उसकी 18 में। उस समय प्रभु घुंघरू, अब घुंघरू के बारे में एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आपको पता है घुंघरू कौन कौन कैसे कैसे पहनते हैं, आपने क्या कभी कुछ लड़कों को पहनते हुए देखा है? और कई प्रकार के ऐसे भी बंधन और धागे वागे देखे होंगे आपने, जैसे किसी लड़की या लड़के के बने, किसी के अंगूठे बने हुए, ये सारे बंधन होते हैं, ये मनुष्य की आशीषों को रोकते हैं। इंसान सोचता है इससे मैं अच्छा लग रहा हूँ, इससे नज़र नहीं लगेगी, अरे विश्वास तो उस धागे पर कर लिया, खुदा पर से तो हट ही गया। इसी तरीके से समझना, इसी तरीके से इंसान बंधनों में आकर अपने आप को शैतान का दास बना लेता है, और दूसरों के आगे दास बन के रहता है, जिसमें इंसान खुलकर कभी जी नहीं पाता है, और ना ही खुलकर अपनी इच्छा को पूरा कर पाता है, और ना ही खुलकर प्रभु के काम को कर पाता है, क्योंकि ये बंधन है। ध्यान रखना, हाथ पैरों में कहीं भी कहाँ कभी कहाँ धागे बांधने, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है गंडो का मतलब होता है धागे, ताबीज या जो बटुए वगैरह होते हैं, जो मतलब पूजा पाठ के सारी रस्में होती है, उन चीज़ों को पहन लेना, वो सारे कहलाते हैं गंडे ताबीज, समझना। और वचन में ये भी लिखा है कि तुम घेरा रखकर ना मुड़ाना, घेरा रखकर मतलब अपने बालों में घेरा रखकर, सर में घेरा रखकर ना मुड़ाना। अब बालों को लेकर भी परमेश्वर ने बता दिया है इसमें। और एक तरफ वचन में ये भी लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, सपन्या का 1:5 और उसकी 8 में,
कि यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेशी के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी मैं दंड दूंगा। और लिखा है व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अब सोच कर देख लो हमने कितना चेंजेस कर दिए, कहाँ स्टैंड करते हैं आज हम। अब संसार को देख कर ना हम अपने आप को बदल लेते हैं। ये जो कानों के अंदर बालियां पहनने का काम किसका था? स्त्रियों का था। आज लड़के लोग क्यों पहनते हैं? इनकी रंग रूप बदल दिए हैं, इनके डिजाइन बदल दिए हैं, लड़के पहनकर घूमते हैं। शैतान ने जो मनुष्य के मन में जो फैशन का भूत डाल रखा था ना, इसी के कारण क्योंकि मनुष्य ने इस बात को बढ़ावा दिया है, हाँ भाई वो अच्छा लग रहा है, ऐसे बाल करने से अच्छे लग रहे हैं यार, उसने नाक में नथ कितनी अच्छी डाल रखी, देख उसने अपना कान छिदवा रखा यार, वो लड़का सही लग रहा था यार, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी, उसने देख शर्ट के बटन खोल रखे थे यार, उसकी पैंट देख लड़की की कितनी सही लग रही थी यार, देखिए फटी फटी पैंट है ना, बहुत अच्छी लगती है यार, आजकल ये डिजाइन अच्छा चल गया यार, लड़कियां भी अच्छी पैंट पहनती हैं, लड़कों की भी अच्छी पैंट है यार, थोड़े ना शॉर्ट कपड़े पहनने चाहिए, मम्मी देखो मेरी फ्रेंड भी तो छोटे कपड़े पहनती है, देख उसका भी तो बदन दिखता है, मम्मी आजकल फैशन है थोड़ा बहुत चल जाता है, इससे कुछ नहीं होता, अब मैं बहन जी बन के थोड़ी ना जाऊंगी, अब मैं हर जगह सूट थोड़ी ना चलेगा, मम्मी शादी आ रही है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मम्मी मुझे अच्छा लहंगा चाहिए, मुझे ऐसे ड्रेसिंग सेंस चाहिए जिसमें मेरा पेट दिखे, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जिसके अंदर मेरा शरीर दिखे, मम्मी अब मैं पूरा सूट सिलवार तो मैं सिंपल ऐसे कपड़े तो पहनूंगी नहीं, क्योंकि मम्मी शादी पार्टी का मामला है, मुझे अच्छे कपड़े पहने, देख वो भी तो पहनकर आते हैं। दूसरों को देखकर इंसान अपनी चाल बिगाड़ लेता है और जाने और अनजाने में किसी के ठोकर का कारण बन जाते हैं। आप परमेश्वर के किसी बड़े अभिषिक्त के परिवारों को देख लो, उनके मैं कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर अपोस्टल अंकुर नरुला जी को ही देख लो, डॉक्टर अमोद सिंह जी को ही देख लो, या आप और भी बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्तों को देख सकते हो जिनके जीवन में यह प्रकाशन है, और वो जो समझते हैं कि हमारे जीवन के एक एक काम से कोई ठोकर ना खाने पाए वरन परमेश्वर ही को महिमा मिले। हम गाना गाते हैं ना कि प्रभु मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, लेकिन जलाल तो किसी और का नाम पा रहा था। समझने की कोशिश करना, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और की महिमा कर रहे थे अपने पहरावे से, अपने कामों से, अपने शब्दों से। और आज हम कहते हैं कि हमें आशीष नहीं मिलती, ये सारे बंधन है, बंधन के कारण हमने अपनी आशीषों को रोक रखा है, इसीलिए हमारे जीवन में कोई सक्सेस नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई चंगाई है, कोई छुटकारा, कोई बरकत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो नॉर्मल दूसरे लोगों को भी परमेश्वर दे रहा है, लेकिन परमेश्वर तो साफ कहता है कि तू चूर चार में प्रसन्न मत हो, तुझे तो मैं पूरी रोटी दूंगा, लेकिन उसके योग्य तो बन। पूरी रोटी खाने के लिए हमें अपनी अभिलाषाओं को भी मारना होगा, प्रभु के वचन को पूरा करना होगा, उसके वचन को गंभीरता से लेना होगा, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में संसार का सदृश बनने के लिए अपने आप को दूसरा, अपने लिए दूसरा ईश्वर बना लेते हैं। आप परमेश्वर के बड़े बड़े दास और दासियों को देख सकते हो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ अपोस्टल अंकुर नरुला जी को ही देख लो, उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि वो सच्चा एक अच्छा आदर्श बने हैं विश्वासियों के लिए और एक अविश्वासियों के लिए। वो सोने से लदे हुए नहीं है, वो हाथों में बहुत सारी अंगूठियां, गले में बहुत सारी चेने पहने हुए नहीं है, उनके कानों में बालियां नहीं है, उनकी वाइफ सोना चांदी से लदी हुई नहीं है, वो सिंपल सोबर ड्रेस पहनती है, वरन उनके मन के अंदर भी परमेश्वर की पवित्रता ही भरी हुई है। अगर आज उदाहरण के तौर पर मैं एक स्त्री हूं, अगर मैं घूंघट कर लूं लेकिन मन के अंदर कड़वाहट रखूं, कुटकुटाहट रखूं, बैर भाव रखूं, तो कोई फायदा नहीं है उस घूंघट का। क्यों? क्योंकि मन के अंदर तो बुराइयां भरी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर के जो दास और दासी, परमेश्वर के जो अभिषिक्त है, जो परमेश्वर के साथ पारदर्शी रिश्ता रखते हैं, जैसे वो अंदर रहना वैसे वो बाहर भी हैं, एक खुली हुई किताब की तरह उनको देखकर हम सीख और समझ सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन से भरे हुए हैं। लेकिन आज हम बदलना नहीं चाहते, हमें ये बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती है, किताबी ज्ञान लगता है, लेकिन इनको हम अपने जीवन में काम करने नहीं देते हैं। काम किस में करने देते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं में, कि वो भी ऐसा कर रहा था, उसने भी तो पहना है। दूसरे के अंदर कमियां निकालते हैं, दूसरे को देखकर अपने आप को बदल लेते हैं। हमारा बस यही काम है, हम यही करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां हैं, जो हमारी आशीषों को रोकने के लिए छोटी सी गलतियां भी काफी हैं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आगे बताना चाहता हूँ, लिखा है कड़ो, और आगे लिखा है पटको और गंडो। गंडो के बारे में आपको बता दिया, गंडे और जो ताबीज होते हैं, जो हाथों में पैरों में धागे वागे बांध लेना, ये सारे बंधन होते हैं। कानों में धागे बांध लेना या गले में धागे पहन लेना, बिना मतलब कि किसी प्रकार के कोई भी धागे पहन लेना, एक विश्वासी को धागे तो पहनने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आशीष और चंगाई और छुटकारा और ब्लेसिंग्स को रोकने का बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ छोटा सा काम लगाओगे आपको, लेकिन ये छोटी सी ही गलती बहुत बड़ी आशीष को रोकने के लिए काफी है। ध्यान रखना, अगर आज आप में से किसी ने पहन रखा है हाथ पैरों में या अंगूठों में या किसी भी रीजन से पहन रखा है, क्या परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर छुटकारा नहीं दे सकता? क्या आपका विश्वास धागे पर है? क्या धागा आपको नजर से या बीमारी से या परेशानी से बचा लेगा? अगर बचा लेगा तो फिर अब तक क्यों नहीं बचाया? और अब तक इसलिए नहीं बचाया होगा क्योंकि दो नावों पर पैर रखा है, क्योंकि एक तरफ यीशु है, दूसरी तरफ धागा या धागे का बनाने वाला है।
कौन, पूजा पाठ करने वाला या गंडे ताबीज वाला या पीर फकीर या कोई पंडित? दोस्त नहीं लगा रहा, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सत्य बताना चाहता हूँ, मैं इन बातों से गुजर चुका हूँ। मैंने बहुत धागे पहने हैं, बहुत बड़े बड़े ताबीज और लॉकेट बनाकर पहने हैं। कुछ भी काम करता था मैं इनको चूमता था गले के अंदर लेकर, चूमकर फिर कहीं आना जाना, कुछ भी करना या कहीं भी आना जाना जो भी था उनको स्मरण करता था मैं, लेकिन 1% भी कोई फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देने वाला तो सिर्फ यीशु है और मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन जब आज जान चुका हूँ तो इन बातों से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। वही छुड़ाने वाला है, वही रक्षा करने वाला है, वही बचाने वाला है। और आगे लिखा है अंगूठियों नथो। अब अंगूठी किस किस प्रकार की होती है आपको मालूम होगा, कई सारी अंगूठी ऐसी होती हैं जो बहुत ही मतलब तीजियों त्यौहार वाली या दूसरा किसी भी प्रकार के, जैसे कोई लव को लेकर है या कोई चुम्मा चाटी को लेकर है या किसी प्रकार के हड्डी या भूत वगैरह को लेकर है। ये सारे शैतान के काम है, ये सब शैतान के काम है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये सब शैतान के काम है एक मसीह व्यक्ति के लिए। जो मसीह को नहीं जानते उनकी बात अलग है, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको ज्ञान है, जिनको ज्ञान है अगर वो फिर भी ऐसे कर रहे हैं तो सच में शैतान के काम है, जिसके कारण इंसान अपनी आशीषों को रोकता है। बच्चे की आशीष को रोकने के लिए और सब प्रकार के शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक आशीषों को रोकने के लिए सिर्फ थोड़ा सा खमीर ही बहुत है, ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन वचनों को जान लो और समझ लो। जो भी आपको लगती है कमियां, उनको आज निकालो और प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करो, धोकर पवित्र करो, पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। देखो प्रभु आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, वो तो देना चाहता है, वो तो छितराना चाहता है, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है। ध्यान से समझना, हमें लेना नहीं आता है। वो तो कहता है उत्तम जनों की खोलकर मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है, हमें भीगना नहीं आ रहा है उसमें। हम छाता लेकर घूम रहे हैं, हमने बंधनों को बांध लिया जिसके कारण वो बारिशें, वो ब्लेसिंग्स के झरोके हमारे ऊपर नहीं खुल रहे हैं। क्यों? समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाता है। छोटे छोटे धागे बांध लेना या किसी प्रकार के कोई गड्ढे ताबीज पहन लेना या कोई रीति रिवाज में हाथ लगाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको इंसान अपने जीवन में अहमियत देता है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देता है। चाहे हम कितने भी बड़े और अच्छे काम कर रहे हैं, कितने ही भले और अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती कर दी ना, फिर वही वाली बात है, कूड़ा करने वाली बात है। अपनी गलती को, अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत को, अपने अच्छे कामों को कूड़ा मत करो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का दिल बहुत दुखता है और उसका तो वचन ये भी कहता है, देख मैं शांति को नदी के समान और जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। तू खाएगा और तृप्त रहेगा और सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगी। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें बोली है लेकिन हमें आशीष लेना ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने ऐसे ऐसे काम करने की कोशिश करी थी मनुष्य के जीवन में और मनुष्य ने उन कामों को ऐसे अहमियत दी कि परमेश्वर का वचन टूट गया और तोड़ दिया गया। और कई बार तो ज्ञान ना होने के कारण हमने उन शारीरिक अभिलाषों में ऐसे लिप्त हो गए कि खुदावन की आशीष पा ही नहीं सके। लिखा है नथो, नथो। अब नथ आप सोच सकते हो नथ किसके लिए है? नथ है, चलो एक स्त्री के लिए है। और लिखा है नथो। अब एक लड़का नाक के अंदर छिदवाकर, कान के अंदर छिदवाकर, होठों के अंदर, मुंह के अंदर छिदवाकर, अपनी बॉडी पर छिदवाकर क्यों पहन रहा भाई ये सारी बालियां? ये सारे बंधन है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये सारे बंधन है। और एक स्त्री को भी अपने जीवन में ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये बंधन और एक गुलामी का चिन्ह होता है। आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी परमेश्वर के बड़े अभिषिक्तों को देख लो, जिनको ये प्रकाशन है वो आपको इन चीजों के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन जिनको प्रकाशन नहीं है उनके बारे में कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिनको प्रकाशन है उन्होंने इन चीजों को अपने जीवन से जरूर दूर कर रखा है। और दूसरा, और आगे लिखा है, मतलब ये नथ को लेकर, अंगूठियों को लेकर और ये झुमकों को लेकर, चंद्रहारों को लेकर और ये गंडे ताबीजों को लेकर और कड़ों को लेकर और भी सब बहुत सी प्रकार की चीजें हैं, इन सब प्रकारों को लेकर परमेश्वर ने सभी के लिए मना कर रखा है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। स्त्री के लिए तो साफ लिखा है कि कोई स्त्री अपने आप को सुनहरे वस्त्रों से या सोने के हार, चांदी, कड़े वगैरह इन सब चीजों से ना सवार कर वरन अपने मन को विवेक करे, पवित्र करे, शुद्ध करे। वचन पढ़ देना चाहता हूँ, लिखा है 1 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और 9 आयत में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। मतलब परमेश्वर यहाँ पर साफ कह रहा है कि स्त्रियां अपने आप को संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र मतलब धार्मिकता के, पवित्र, परमेश्वर के पवित्रता के वस्त्र, एक सेट एग्जांपल बनने के वस्त्र, कि कोई ठोकर ना खाए, अपना चाल चलन ऐसा रखे कि जैसा अंदर है वैसा बाहर बने और अंदर वो बने जैसा परमेश्वर चाहता है, पवित्रता, निर्दोष और सुरक्षितता, और संयम और संकोच के साथ, प्रेम और दीन भावनाओं के साथ, ऐसी बातें अपने मन के अंदर रखे और वैसे ही अपने वस्त्र पहने जिससे कि कोई देखे तो, सच में देखे तो पहचान ले कि हाँ भाई इसके साथ यीशु रहता है, इसका चाल चलन कितना अच्छा है, इस बहन से बात करके कितना अच्छा लग रहा है,
कि ये बहन बहुत पवित्र और सुंदर और सुशील मन की है और दीन और नम्र स्वभाव की है। उसी प्रकार के वस्त्रों से अपने आप को संवारना है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र। संयम मतलब शरीर पर नियंत्रण करना, अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने शरीर के कामों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर नियंत्रण करना। क्योंकि साफ लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है नीति वचन 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक मतलब परमेश्वर का भय, बुद्धि, ज्ञान और समझ, परमेश्वर का डर और एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए एक इच्छा और गंभीरता, ये सब चीजें नहीं रखती, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए एक भय नहीं रखती, विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। वचन को सुनकर पढ़कर हम जान सकते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूं, हमें हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान और परमेश्वर ही को इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य अगर आज रूठ गया तो कल वो मना लिया जाएगा और परमेश्वर उसको जरूर लेकर आएगा, लेकिन अगर आज परमेश्वर रूठ गया तो उसको कौन मनाने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर अपने छोड़ जाएं, अपने दिल दुखाएं या अपने सताएं, अगर हमने प्रभु को याद करा, प्रभु को पकड़ के रखा, अगर हमने प्रभु को मजबूती से पकड़ के रखा, अगर हमने प्रभु को नहीं छोड़ा हर समस्या सिचुएशन में, तो प्रभु हमें तो बचाएगा ही बचाएगा, वरन हमारे साथ साथ उन लोगों को भी लेकर आएगा जिनके द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ था, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया था, वो लोग भी खुद घुटने टिकाकर प्रभु के पास आएंगे और उनके सामने हमें सदा के घमंड का कारण भी ठहराएगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का चुनाव किया है। अगर मनुष्य का चुनाव कर लेते, अगर हमने मनुष्य का चुनाव कर भी लिया तो मनुष्य आज छोड़कर जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि साफ लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ देगी। अब जब दूध पिलाने वाली माँ ने छोड़ दिया तो माँ से बढ़कर कोई, क्या कोई रिश्ता है संसार में? एक शारीरिक रूप से बताना चाहता हूँ कि माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है शारीरिक संसार में, लेकिन इससे बढ़कर एक और रिश्ता है परमेश्वर का। जब सोचो माँ ने ही छोड़ दिया तो भाई बहन की तो बात दूर है, दोस्तों की बात तो दूर है और अपने आस पड़ोसी की तो बात बहुत दूर है। जब माँ ही छोड़ रही है, परमेश्वर ने जड़ पकड़ी है, तो परमेश्वर ने साफ कह दिया, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा। इसीलिए अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा बनाकर रखना। परमेश्वर कभी बुरा ना मानने पाए, परमेश्वर कभी आपसे दूर ना होने पाए, उसके दूर होने का कारण मनुष्य खुद ही बनता है, ध्यान रखना। मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें ये पता चलता है कि हम किस किस प्रकार के बंधनों में थे। हमें पता चलता है कि हमने जीवन में किस किस प्रकार से कैसी कैसी बातों को लेकर कैसे कैसे काम करके, छोटे हों चाहे बड़े हों, अपने जीवन में खुद बंधन बांधे थे, जिसके कारण हमारी आशीषें रुकी हुई थी, जिसके कारण हम उन्नति को नहीं देख पा रहे थे, तरक्की को नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने शारीरिक अभिलाषाओं पर मन लगाया। लेकिन आज परमेश्वर मौका दे रहा है, परमेश्वर आज मौका दे रहा है, अपने आप को परमेश्वर के आगे जीरो शून्य नम्र और दीन कर लो और परमेश्वर को मना लो। परमेश्वर कहता है कि आओ चलो आज हम वाद विवाद करें, आज खुदावन के साथ आज आप बात करो, उससे बोलो, अपनी गलती को कबूल करो और जो गलत है उसको अपने अंदर से निकाल डालो। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, वो आज कहेंगे और कल चुप हो जाएंगे, चाहे भले ही, चाहे छोड़ने वाली बातें हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना, जब खुदा आपके साथ में है, आपके पक्ष में है, तो कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई विरोधी बन भी गया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनने के लिए जा रही है। वो खुद घुटने टिकाकर आपके पास प्रार्थना के लिए आने वाले हैं, खुदावत उनके मनों को मोड़ कर लेकर आएगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना भी करनी है कि जिन लोगों ने आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण या उसकी आज्ञा का पालन करने के कारण छोड़ दिया था, वो लोग खुद आपके पास आएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए आपको प्रार्थना भी करनी है। तो मेरे भाई और बहनों, इन चीजों का ध्यान रखना। कभी भी किसी प्रकार का कोई टैटू वगैरह मत बनवाना, ना ही कोई बनवाना, ना ही चाहे कोई टेम्परेरी हो चाहे कोई परमानेंट हो, प्लीज इन चीजों से दूर रहना, क्योंकि खुदावन इन चीजों से नफरत करता है, ये बातें उसको पसंद नहीं है। और शरीर को कभी नाश ना करना। और इसके साथ साथ दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार के कोई भी बंधन या कोई गंडे तावीज या कोई भी झुमके या बालियां वगैरह, ये सब चीजें जो मनुष्य, जो लड़का पहनता है या जो लड़कियां ये नाकों में नथ वगैरह पहनती हैं, जो शादीशुदा लेडीज है चाहे कोई भी है, मैरिड है या अनमैरिड है, अगर कोई नथें पहन रही हैं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव अंदर से अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। वैसे तो खुदावंद ने साफ इन चीज़ों के लिए मना कर दिया है कि ये सब चीज़ें पहने नहीं है, तो सब गुलामी का निशान है, ध्यान रखना। गुलामी का चिन्ह है, गुलामी के साइन है ये सब, जो जिसमें शरीर को छेदना पड़ता है और उसके अंदर कुछ लोहा लंगड़ या कुछ भी डाल दिया और उसको एक तरीके से बंद कर दिया, तो एक तरीके से ये गुलामी का साइन हो जाता है मेरे भाई और बहनों, बंधन हो जाते हैं जिसमें इंसान प्रभुता किसी पर कर ही नहीं पाता और खुलकर नहीं जी पाता, हमेशा दास बनकर रहता है। चाहता है इंसान चाहे बिजनेस करने का, लेकिन बिजनेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये बंधन है। चाहता है इंसान बहुत अच्छा काम खुल जाए, आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े, प्रकाशों में बढ़े, धन में बढ़े, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली बढ़े या शारीरिक रूप में बढ़े,
समझने की कोशिश करना, कोई चाहता है कि फैमिली ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि कुछ प्रकार के ऐसे बंधन होते हैं इंसान के जीवन में जो उसकी आशीष को खुद रोकते हैं, ध्यान रखना, और ये मनुष्य का चुनाव है। तो मेरे भाई और बहनों, जो भी कुछ कर रहे हो, हर बात को परमेश्वर के वचन से जांचो और परखो कि क्या प्रभु सही है या नहीं। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे वैसा ही करो, और हर बात को परमेश्वर के वचन से जांचो, क्या प्रभु मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रभु के वचन को इज्जत दोगे तो खुदावन आपको इज्जत देगा, वो इज्जत देगा जो संसार नहीं देता, ध्यान रखना, वो टेम्पररी नहीं वरन परमेश्वर परमानेंट इज्जत देगा आपको, और वो इज्जत बनी भी रहेगी। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि संसारिक या शारीरिक या किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषा आपके जीवन में थी, या कोई भी आपका पहरावा आपको सही नहीं लग रहा है वचन को जानने के बाद, अगर आप बदलना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके बदलाव आने को लेकर कोई रोक टोक हो सकती है घर परिवार में से, तो किसी से कोई लड़ाई दंगा, कोई झगड़ा, कलेश, भेदभाव या बैरभाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सबसे पहले आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही लोगों के मन तैयार हो सकते हैं, और जब आप अपने आप को खुद बदलोगे ना, तो उसके बाद ही सामने वाला अच्छे से बदल पाएगा। और वचन के द्वारा आप सब कुछ अच्छे तरीके से सामने वाले मनुष्य को बता सकते हैं। और यही नहीं कि हम वस्त्र अच्छे पहनकर घूम रहे हैं, पूरे तन को ढक लिया, लेकिन मन के अंदर कुटकुड़ाहट है, कड़वाहट है, बुराइयां, किसी से बात नहीं कर रहे ढंग से, दो मुंह से किसी से बात करना नहीं चाहते, या किसी को ब्लॉक कर रखा है, नामवी की बातें, ईर्ष्या की बातें, इन चीज़ों से भी कोई फायदा नहीं है। हमारा मन का स्वभाव भी बदलने पाए और हमारा चाल चलन भी बदलने पाए, ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, कि कोई हमें बिल्कुल कंगाल भी ना जानने पाए, या कोई हमें बिल्कुल घमंडी भी ना जानने पाए, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ से आप हमारे परमेश्वर को हमें महिमा देनी है, कि कोई हमारे जीवन से किसी भी प्रकार से कोई जाने अनजाने में कोई ठोकर ना खाए। इसमें परमेश्वर हमें मना नहीं कर रहा है कि सोना मत पहनो, परमेश्वर हमें मना नहीं कर रहा है कि ड्रेसिंग सेंस कपड़े मत पहनो, ये मत करो, नहीं, परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए एक तरीका ठहराया है। तो उस तरीके से अगर हम करें तो हम दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण भी बन पाएंगे, और किसी के लिए ठोकर का कारण भी नहीं बनेंगे, वरन परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। अगर आपको देखना हो तो एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपोस्टल अंकुर नरुलेजा और उनकी वाइफ को जरूर देखना, आप उनको देखकर सीख सकते हो, समझ सकते हो उनका स्वभाव कैसा है, और उसके हिसाब से उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो उनको देखकर आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, उनको देखकर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ठोकर खाएगा उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, छोटे कपड़ों को लेकर या उन ज़्यादा गहने पहनने को लेकर। उनको देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि हमने बिल्कुल बिल्कुल सेवर सेपरेट और सोवर हो गए, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव भी हमारा बदलना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।